नमस्कार, मैं महक रैना, स्वागत है आपका द जेके पेजेस में। व्हाट्सएप ने जब से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का नोटिफिकेशन शेयर किया है, तब से ही हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। एक तरफ तो लोगों में कंफ्यूजन है कि उनका क्या क्या डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा, वहीं व्हाट्सएप ने क्लेरिफिकेशन भी इशू किया है कि न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज वॉन्ट इम्पैक्ट पर्सनल एंड प्राइवेट चैट्स एंड इट एक्चुअली मीन्स फॉर बिजनेस कन्वर्सेशंस। और इस सब में ये खबर आ रही है कि गवर्नमेंट भी नई प्राइवेसी पॉलिसी को एग्जामिन कर रही है और इस पर अगर ज़रूरत पड़ी तो फेसबुक को एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। और अगर गवर्नमेंट की नज़र में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो व्हाट्सएप को आगे दिक्कत भी आ सकती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। मैं बताऊंगी कि गवर्नमेंट व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसीज को कैसे देख रही है और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या व्हाट्सएप इसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी ले सकती है या फिर नहीं। तो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी इज वेरी कंफ्यूजिंग। इसको क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप ने न्यूज़पेपर में ऐड भी दिए और अलग से FAQ भी शेयर किया। व्हाट्सएप FB से क्या क्या डेटा शेयर करेगा ये हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट इससे क्या करने जा रही है और इस पर क्या नज़र रख रही है। तो खबर ये आ रही है कि गवर्नमेंट व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसीज को एग्जामिन कर रही है, यानी ये चेक किया जा रहा है कि ये पॉलिसी कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रही। ये मिनिस्ट्री में इसके ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है, तो अगर जरूरत पड़ी तो इसको इन डिटेल भी एग्जामिन किया जा सकता है। इसमें आपको बता दूं कि हमारे देश में ऐसा कोई भी स्पेसिफिक डाटा प्रोटेक्शन लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऐसे में कहीं फेसबुक और दूसरी कंपनियां उसका फायदा तो नहीं उठा रही। इट माइट ऑल्सो बी डिस्कस, अगर देश में डाटा प्रोटेक्शन लॉ होता तो व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को इंडिया में एप्लीकेबल ही नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के लिए व्हाट्सएप की एक अलग प्राइवेसी पॉलिसी है। वहाँ भी डाटा फेसबुक के साथ शेयर तो किया जाता है, लेकिन वहाँ पर यूजर के पास ज्यादा कंट्रोल होता है। जो डाटा यूजर चाहेगा सिर्फ वही शेयर किया जाएगा, तो जब चाहे अपना डाटा मॉडिफाई कर सकता है और उसको इरेज भी कर सकता है, यानी वहाँ जो है वो कंट्रोल ज्यादा है एज कंपैरिजन टू इंडिया। जो पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी थी उसमें आपको ऑप्शन मिलता था व्हाट्सएप की तरफ से कि अगर आप चाहे तो डाटा शेयर करें, नहीं चाहे तो नहीं करें, लेकिन अब ये ऑप्शन नहीं बचा। इट्स लाइक अ माई वे और हाईवे लाइक सिचुएशन क्रिएटेड बाय व्हाट्सएप, जहाँ आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। तो जब तक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेंडिंग है और जब तक लॉ नहीं बनता तब तक सारी टेक फर्म्स डाटा को अपने हिसाब से प्रोसेस करती रहेंगी। तो गवर्नमेंट कैन टेक एक्शंस, बट डाटा प्रोटेक्शन लॉ के बाद ही आपका डाटा जो है वो सिक्योर हो पाएगा। आपको बता दें कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर हंगामा अभी भी जारी है और गवर्नमेंट भी इस पर नज़र बनाए हुए है और साथ ही लोगों में भी कंसर्न सामने आ रहा है। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच सबसे ज्यादा फायदा हुआ है सिग्नल और टेलीग्राम को, और ऑफ कोर्स व्हाट्सएप को बड़ा नुकसान हुआ है, पर इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द जेके पेजेस। इसी के साथ मैं महक रहना हूं।